बाबा साहब को मानते हो तो सुनो, अरे धर्म बनाओ घर घर में सुनाओ बचाओ को जब बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली, 5 लाख लोगों ने दीक्षा ली, अगर वो 5 लाख परिवार बुद्धिस्ट हो जाते सही मायने में तो आज 50 करोड़ भारत में बुद्ध होते और समस्या का समाधान हो जाता। इसलिए अगर महात्मा जी होती तो क्या होता, हर पूरे भारत में हो जाती एक बौद्धों की आपने। मुझे पुरानी याद आ गई, मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। मैं कभी 1977-78 में गाया करता था, मैंने पहला गीत तो बहुत सुनाए हैं, लेकिन 1977 में केंद्रीय राज्य मंत्री योगेंद्र मकवाना और बीपी मौर्या जी के साथ मैंने पार्लियामेंट में सुनाया था वो गाना, जिसके बोल थे दुनिया में दीदाना, मेरा नाम जय जय।
संविधान में सभी धर्मों को सम्मान देकर और अनेकता में एकता का प्रतीक भारतीय संविधान बनाकर के वो काम किया है कि हम जन कोष को दूर कर दे। आज भारत देश के अंदर चले जाओ तो मुसलमान अपनी दरगाह में जाता है, कहता है अल्लाह हू अकबर, उसे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि संविधान में लिखा है। गुरुद्वारों में चले जाओ तो वहां से यही होती है सपना सपना वाहिगुरु में सपना। मथुरा में चले जाओ सारे पंडित लोग गाते होंगे पर जय कन्हैया लाल की और बंसी मारे कोई ना रुकता है, लेकिन जहाँ अम्बेडकर वादी में चले जाओ तो वो भी लड़े वो जाती भाई के लाल की कि जाने भारत को बनाए दो बाबा साहब का नाम तो सारी दुनिया में निराला है। बिल्कुल, और भारत को छोड़िए पूरा संसार बाबा साहब को सर झुकाता है। तो कहते हैं कि कौन किसके दर पर बेवजह जाता है, अरे कौन किसके दर पर बेवजह जाता है, और कोई तो बात होगी मेरे भीम में जो जमाना सर झुकाता है, बताइए है कि नहीं। बिल्कुल, बाबा साहब ने कहा है कि कह गए बाबा बता दो जाके मौत भगवान की Thank you.
पंथ का चीमर है पीला, हमने रंग दिया नीला, हमने रंग दिया नीला, जलाई करुणा की ज्योति अदब है कि मुंदरी नीला हो नीला। संविधान बनाया कुसुम के दर्शाया, संविधान बनाया कुसुम के दर्शाया, बुद्ध की निशानिया सुध से जगाया, बुद्ध हमको बताया बाबा ने कहा है अगर वास्तव में तुम बाबा साहब को मानते हो तो दोनों हाथ ऊपर उठा के कहिए, सभी बहने मानते हो बाबा साहब को मानते हो तो सुनो, अरे धर्म बनाओ घर घर में सुनाओ, मन मन को बचाओ इसलिए सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, I'm going to go to the hospital.
बाबा साहब ने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी, इसलिए हम कोट कोट नमन करते हैं और बाबा साहब के चरणों में मैं आंसुओं की तरह मैं पिघल जाऊंगा और मोतियों की तरह मैं बिखर जाऊंगा। जीवा ना हुई मुबारा का एक दिन नाम लेके मर जाऊंगा। इसलिए क्योंकि तुम्हें सोते से जगाया, तुम्हें ज्ञान कराया, बुद्ध धम्म को बताया आगे भीम तेरी उसी दिन मुझे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जाना था, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भाई ने पूछा कि अम्बेडकर आज तुम्हारा बेटा मर गया है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब बाबा ने कहा कि यहाँ तो एक बेटे की बात है, लेकिन वहाँ मेरे करोड़ों करोड़ों बेटों की जिंदगी का सवाल है, अगर मैं नहीं गया तो उनके साथ में अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बाबा ने दोनों ने कहा मेरे मर गए बीबी बच्चे पर बदला नहीं मिलाता, बाबा साहब की आंखों में आंसू आने लगे और कहने लगे कि मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा जन सैलाब, इतनी बड़ी जनसंख्या में लोगों को, अपने लोगों को कभी नहीं देखा। ये तो दलितों की राजधानी है। तो बाबा साहब की आंखों में जब आंसू आने लगे तो लोगों ने पूछा, बाबा साहब जब इतनी संख्या में लोग हैं तो आपको खुश होना चाहिए, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? बाबा ने कहा कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए हैं कि ये जो तंबू लगा हुआ है इसके नीचे एक बंबू लगा हुआ है। तंबू मेरा समाज है और इस पूरे समाज को साधने के लिए मैं अकेला बंबू खड़ा हुआ हूँ। मेरे मरने के बाद कोई दूसरा बंबू दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं। साथियों, बाबा साहब ने आगरा में आंसू उनकी आंखों में थे और रो रो के कहा था कि रोए रोए बाबा भी मोरा बोले आखिरी बात, रोए रोए बाबा भी मोरा बोले गई आखिरी बात, ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा मिल के रहना साथ के ये तंबू लगे राना।
खुद बन्नो पंडा।